सत्य के साथ। होश रतन को आना होगा। केंद्र की सरकार के दबाव में सीबीआई तोता बनकर के राम राम कह सकती है, तो एसटीएफ भी राज्य सरकार के दबाव में कुछ भी कर सकती है। लेकिन चोरों की सरकार है, धामी सरकार। हम एसटीएफ के काम की सराहना करते हैं, उनको बधाई देते हैं। नहीं है, हमारी मांग है कि हाई कोर्ट के रिटायर जज से जांच होनी चाहिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गांधी पार्क में, जहाँ आम आदमी पार्टी द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये धरना प्रदर्शन यूके ट्रिपल एससी एग्जाम भर्ती को लेकर है। आइए बात करते हैं इनसे कि इनसे सरकार के खिलाफ क्या है मांग, आइए जानते हैं। आज हम यहाँ पे जो इकट्ठा हुए हैं, बहुत ही गंभीर विषय है, हमारे प्रदेश के। लेकिन चोरों की सरकार है, धामी सरकार। आज उसके खिलाफ गांधी पार्क में जो हमारा धरना है, यूके एसएससी जो चयन बोर्ड में जो घोटाले हुए हैं उसको लेकर के आज हमारा धरना प्रदर्शन है। पारदर्शिता के साथ में अगर जांच हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारी मांग है कि हाई कोर्ट के रिटायर जज से जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो बड़े उच्च स्तर के जो सफेद पोश हैं वो कब जेल में डाले जाएंगे। कर्मचारी अधिकारी जो फोर क्लास है उनको तो आप जेल में डालने का काम कर रहे हैं। हाकम जैसा कहाँ से पैदा होता है, वो मंत्रियों की देन है। हाकम कितने ऐसे हाकम है हर विभाग के अंदर जो कमीशन एजेंटगिरी करते हैं और मंत्रियों की जेब भरते हैं। आज उनके खिलाफ हम गांधी पार्क में बैठे हैं कि हाई कोर्ट के रिटायर जज से जांच होनी चाहिए, और खाली एक ही यूके एसएससी की जांच नहीं होनी चाहिए। तमाम जितने भी घोटाले हैं विधानसभा के अंदर, जो भर्तियां हुई है विधानसभा के अध्यक्षों के द्वारा, जो विधानसभा में हर सरकार की, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, उन्होंने अपनी अपनी विधानसभा से 100-200 लोग विधानसभा सचिवालय में भर्ती करने का काम किया। तो आज उन सब की जांच होनी चाहिए, और जो सही पात्र है, जो ईमानदारी से पेपर देता है, मेहनत करता है, उसको पास करके नियुक्ति मिलनी चाहिए, ना कि उन बेईमानों को नियुक्ति मिलनी चाहिए जो 15-15 लाख में पेपर खरीदते हैं और उसको लीक करते हैं और बच्चों के साथ खिलवाड़ करने का काम करते हैं। देखा जाता है एसटीएफ द्वारा हम रोज एक अरेस्ट किया जा रहा है, इसके ऊपर क्या कहना है आपका? हम एसटीएफ के काम की सराहना करते हैं, उनको बधाई देते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने कदम दर कदम जांच को आगे बढ़ा करके कड़ियों से कड़ियां जोड़ते हुए अब तक 22 गिरफ्तारियां करके कई लोगों को का पर्दाफाश किया है, जांच को मजबूती से आगे बढ़ाया है। लेकिन अब जांच जिस दिशा में आगे बढ़ रही है, तो वहां से हम ये महसूस कर रहे हैं कि जैसे ही जांच के दायरे में सफेद पोश आएंगे, वो लोग आएंगे जिनके हाकम सिंह के साथ फोटो सोशल मीडिया पर तैरते दिखाई दे रहे हैं, तो फिर एसटीएफ पर दबाव बनेगा। एसटीएफ को कहा जाएगा कि अब आप लीपापोती करो। पर जब भाई केंद्र की सरकार के दबाव में सीबीआई तोता बनकर के राम राम कह सकती है, तो एसटीएफ भी राज्य सरकार के दबाव में कुछ भी कर सकती है। उनकी मजबूरी होगी, उनकी दोष नहीं होगा, वो मजबूर होगी। मिस कॉल नंबर 9510100, क्या उसको लेके इस घोटाले के ऊपर क्या कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहे तो दे सकते हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने जो नंबर जारी किया भारत को नंबर 1 बनाने का, तो नंबर 1 बनाने के लिए जो पहली बात है कि सबको ईमानदारी से अपना काम करना पड़ेगा, भ्रष्टाचार मुक्त देश और भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने पड़ेंगे, और उसके साथ साथ सबको जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा। अगर भ्रष्टाचार खत्म होगा, लोग ईमानदारी से काम करेंगे, जिम्मेदारी से काम करेंगे, तो इंडिया नंबर 1 बन जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होगा, भाजपा की तरह मैं अभी सुन रहा था कि मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ जो दिल्ली में सीबीआई जांच चल रही है, उनको एक मैसेज भाजपा की तरफ से भेजा गया कि तुम भाजपा में आ जाओ, तुम्हारे खिलाफ सारी जांच बंद करा देंगे। और वो भाजपा में जाएंगे, उनको भाजपा की वॉशिंग मशीन में अगर नहलाया जाएगा तो फिर पाक साफ हो जाएंगे, ऐसा भाजपा कहती है। तो भाजपा की इस वॉशिंग मशीन का भंडा फोड़ करना भी आम आदमी पार्टी अपना कर्तव्य समझती है। कि जैसी एसटीएफ का सराहना करते हुए कि उनकी जांच की जा रही है, उनका सराहना किया जा रहा है, पर फिर भी वो ये चाहते हैं रिटायर्ड जज के साथ, रिटायर्ड जज से इनकी कार्रवाई की जाए। कैमरामैन इमरान के साथ मैं संजय कुमार, टीवी न्यूज़ वायरस। सत्य के साथ।